Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear Inspector Interview Aspirants, once again, this is Zahid Rasul Goraya, BCom from Karachi University, Associate Member of ICMA Pakistan, Associate Member of PIFA, Law Graduate, and currently pursuing LLM from the University of Lahore, and most importantly, ex-inspector of Edinburgh Board of Revenue. Besides this, I am visiting faculty of Government College, University of Lahore, and ICMA Pakistan. आज के सेशन का जो मकसद है, जिस वजह से मैं सेशन कर रहा हूँ, वो ये है कि as you know, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एग्जाम का स्केड्यूल वो इशू कर दिया है। ऑल्दो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं, लेकिन इसको हमने अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी की, वो एक वीक कमोबेश इससे ज़्यादा इन्फॉर्म कर दिया था कि प्लान ये करने जा रहे हैं 21st Feb 2022 को ऑनवर्ड जो एग्जाम्स हैं उनमें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का एग्जाम भी शेड्यूल में शामिल है। तो जैसे ही ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप और सर्कुलेट करना शुरू हुआ, तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि सर, हम अगस्त से आपके साथ अटैच थे, और कुछ नए स्टूडेंट जो आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि नाउ वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऑलमोस्ट 40 डेज, टुडे 16th, और अगर 21st से स्टार्ट होता है तो मे बी 25 को 26 को इंस्पेक्टर एफबीआर की बारी आए, तो आई बिलीव कि 40 डेज या इन बिटवीन 35 टू 40 डेज आप लोगों के पास है। तो इतने लेस टाइम के अंदर आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो वो कैसे हो सकती है? इनको सामने रखते हुए और अपने स्टूडेंट्स को और जो ऐसे एस्पिरेंट्स जो अभी जाके हैं उनके लिए मैं बताता चला जाऊं, एक बार फिर बता दूं कि आपने करना क्या है और किस तरह करना है, और जो अब हम सेशन करेंगे उसमें भी हम भी कैसे करेंगे। इसका हमने क्रैश कोर्स के नाम से हम इसको करने जा रहे हैं। क्रैश मीन आपको पता है कि चीजें जब क्रैश होती है तो फिर जो एक्शन लिए जाते हैं वो एक्शन हम लेने जा रहे हैं। सिलेबस में किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, कोई शक नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी उस सिलेबस का ब्रेकअप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और ये मैंने उस प्रायोरिटी से लिखा है या कोशिश की है जिसमें जो आपको भी टाइम देना है। सबसे पहले जो ज्यादा सिलेबस कवर करने वाली चीज है वो आपका सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसमें कितने टोटल सेक्शन है? जी सेक्शंस आर 76, चैप्टर 10 है, शेड्यूल 13 है, और चार डेड हो चुकी है, पीछे 9 रह गए हैं। तो ये जो 9 जिंदा है इनके आपने टाइटल हर तरीके से याद करने हैं। ये हम आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपको बता देंगे चैप्टर 10 का टाइटल क्या होता है। मेरा नाम, मेरा टाइटल क्या, मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाता हूँ, उन्हें कहते मेरा अकाउंट ओपन कर, वो कहते हैं जी अकाउंट का टाइटल क्या रखेंगे, साहिद रसूल। इसी तरह सेक्शंस हैं 76, इनके टाइटल क्या है, इनके नाम क्या रखे थे जब सेल टैक्स एक्ट बनाया गया, या फर्दर अमेंडमेंट्स करके नए सेक्शंस इंसर्ट किए गए तो नाम क्या रखा गया था, उनके टाइटल्स, फिर इन सेक्शंस को कुछ चैप्टर्स के अंडर कर दिया गया उनकी हेडिंग या उनके टाइटल्स, और फिर शेड्यूल जो है वो 9 अलाइव है उनके टाइटल्स। तो आपने करना क्या है कि 76 सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन हमने पढ़ने हैं।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 to 65 अगर हम कहते हैं तो 57 सेक्शंस बनते हैं ये, और फिर 137 to 146 9 ये, तो टोटल 66 सेक्शंस हैं। तो टोटल 66 सेक्शंस हमने आईपीओ के करने हैं। देन फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और 2005 इसके टोटल सेक्शन आर 49। तो और शेड्यूल 4 है, ये जो 49 सेक्शंस हैं फेडरल एक्साइज एक्ट वो इंशाल्लाह हमने करने हैं। एफबीआर एक्ट 2007 बहुत ही छोटा सा एक्ट है और इसमें क्या पेपर में आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। हाउएवर द टोटल सेक्शंस आर 24 एफबीआर। देन इट कम्स टू फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसको हम कवर करेंगे, और टैक्स रिफॉर्म जब हम इनको पढ़ेंगे तो टैक्स रिफॉर्म को भी करते जाएंगे। तो अगर मैं टोटल सेक्शंस करता हूं 12 21 25 5 और साथ में 2 13 17 और 19 और तो ये कुछ इस तरह करके बन रहा है, लेकिन ये और ये बहुत ही छोटे सेक्शंस पे है। तो टोटल 215 सेक्शंस जो है ये आपने करने हैं सो डैट कि आपका प्रोफेशनल सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। अच्छा जी, सबसे बड़ी क्या आप ये कर सकते हैं, अब हो सकता है ये जिसने स्टार्ट नहीं किया तो मुश्किल है, आसान नहीं है, मैं अभी नहीं कहता ये हो सकता है, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होगी, आपको जो 5 Ds कहा जाता है उसकी जरूरत होगी। 5 Ds डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, इन सबको आप यूज करेंगे देन यू कैन से दैट आई कैन कम्पीट। बट अगर एक मोटे से तरीके से आपको बता दूं तो आपको एटलीस्ट 5 hours कम अज कम 5 घंटे 5 hours इन अ डे मोबाइल को बाहर रख के आइसोलेशन में घर के किसी कॉर्नर में लैंप लगा के बैठना होगा, देन यू कैन कम्पीट। अदरवाइज इट इज अल्लाह की जात जो है वो हर चीज कर सकती है और उसी से सारा निजाम वही चला रहा है, लेकिन जो इंसानी माइंड में ये आता है कि अगर आप ये नहीं करते देन इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप ये करते हैं देन यू कैन कम्पीट, आप मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन 5 hours इन अ डे एटलीस्ट 5 घंटे 24 घंटों में से कोई चीज नहीं साथ रखनी, सिर्फ बुक्स को रखना है, कोने में बैठ जाना है, स्टडी करना है, तो आप स्टिल कुछ कर सकते हैं। हम जो इन चीजों को कवर करने के लिए जो कैश कोर्स है उसको किस तरह लेकर चलेंगे, जी हम एक दिन भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सो वी विल गो बिहाइंड दिस 7 days इन अ वीक, 7 days 7 दिन ही हम आपको क्लास लेंगे। जी क्लास का टाइम क्या होगा, 7:45 PM जस्ट आफ्टर इशा प्रेयर इंशाल्लाह हम क्लास का आगाज किया करेंगे, और 1.5 hours 1 घंटा और 30 मिनट हम क्लास लिया करेंगे। अच्छा ये 5 hours इसके अलावा है, अगर आपने इसके लिए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए कंप्लीट करता है तो क्रैश कोर्स जो है तो ये उसके अलावा है, तो इस रिसेप्शन आर इन 30 मिनट्स आपके बन जाएंगे। इस क्रैश कोर्स की फी जो है ये 7000 है, और इसके बाद हम आपके और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस सिलेबस को इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिलेबस बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीना की 15 तक हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह ने करीब तो रखी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, फिजिकली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली लाहौर ओनली लाहौर, और लाहौर में कहाँ पे, लाहौर में जी वहीद बुक हाउस आ
आईसीएमएपी बिल्डिंग के एडजेसेंट फिरोजपुर रोड लाहौर। आप यहाँ आप अगर फिजिकली आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, और अगर ऑनलाइन है तो फिर थ्रू जूम एप्लीकेशन और अगर आपकी फिजिकल और ऑनलाइन क्लास मिस भी हो जाती है तो देन देयर इज नो इश्यू, वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह। हम आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को यूट्यूब के थ्रू ही आ रहे हैं, और इवन के क्वेटा से लोग आए, अभी भी मेरा जो बैच प्रीवियस उसमें है जलमक्सी तलात ऐसे ऐसे एरियाज कर दू, ऐसे स्टूडेंट्स फॉर लॉन्ग एरियाज जो है वहां से लाहौर आए और वो क्लास ले रहे हैं। और अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं फिजिकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लास अटेंड करें एंड इंशाल्लाह वी विल डू हार्ड वर्क अलॉन्ग विद यू, आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे। और ये जो ऑनली प्रोफेशनल सर्विस इसमें आपको पूरी असिस्टेंस देंगे। और अगर आप ये टाइम ये अगर आप निकाल सकते हैं तो प्लीज जॉइन अस एंड इंशाल्लाह यू विल प्रिवेल एट द एंड। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द क्लास। स्टूडेंट जो आज इनरोल हो जाएंगे उनको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।